Maha, have you done with your quiz? Maha, can you hear me?
Assalamu alaikum, ma'am. Yes, ma'am, quiz में कुछ questions थे जो ना मतलब थोड़े मतलब उसके options नहीं दिए हुए थे और कुछ हमारे पास statement भी ऐसी थी कि जिसमें मतलब जैसे कि loud बोलो जुबिया. Yes, ma'am. थोड़ा सा loud बोलो. मैंने कहा मैं कह रही हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि उसमें ऑप्शन ही नहीं थी, ठीक है, और कुछ ऐसे थे कि जिसमें मतलब स्टेटमेंट में जैसे केवीपी था वो तो उसमें किलो वॉट लिखा हुआ था, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स थी कुछ. मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, एक सेकंड में पंखा बंद करती हूँ. एक सेकंड. मैम आ रही है अब आवाज? अब बोलो. मैम मैं ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस इस तरह थे कि उनमें ऑप्शन ही नहीं थी, ठीक है, जैसे स्टेशनरी या नॉट, जैसे आपने कहा कि पोर्टेबल और डेंटल के ही दोनों के लिए होता है, लेकिन उसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था, ठीक है, तो मैंने डेंटल उसका लगा दिया, ठीक है, और हमारे पास कुछ एमसीक्यूज ऐसे थे कि उसकी स्टेटमेंट ही नहीं सही थी, जैसे कि केवीपी कुछ क्वेश्चन था उसमें केवीपी था लेकिन उसमें किलो वॉट मेंशन था, तो इस तरह था, और भी क्वेश्चन थे जिसमें इशू आ रहा था. मैम आ रही थी लेकिन उसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं था. कैसे नहीं था? वो जो करेक्ट आंसर होगा वो जरूर उस चारों में कोई एक होगा. नहीं मैम देखिए, जैसे आपने ये स्टेशनरी नॉट वाला इसमें आपने हमें बताया था कि ये पोर्टेबल और डेंटल दोनों के लिए होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था उन्होंने, लगता है ऑल ऑफ द अबव और जनरल एक्सरे इमेजिंग और पोर्टेबल या स्टेशनरी और ऑल ऑफ द अबव. अब हम मैम दो हैं, आप पोर्टेबल भी होता है और हमारे पास डेंटल भी होता है, दो होते हैं, तो उसका तो ऑप्शन ही नहीं था. ऑप्शन नहीं था उसमें, होगा ऑप्शन जरूर होगा. थेरो स्टेशनरी ये था ना, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब्स आर यूज्ड इन, ठीक है, ये स्टेटमेंट थी. और आपका ए ऑप्शन था डेंटल एक्सरे इमेजिंग, बी था पोर्टेबल एक्सरे इमेजिंग, सी था जनरल एक्सरे इमेजिंग, डी था ऑल ऑफ द अबव एंड ई था बोथ ए एंड बी. मैम मुझे तो बस डी तक ही ऑप्शन शो हो रहे थे, ई का ई कुछ ई तो नहीं हो रहा था. पता नहीं फिर ये, क्योंकि ए एंड बी ही ऑप्शन था, डेंटल में भी था और पोर्टेबल में भी था, मेरे पास तो ई सारे शो हो रहे हैं. मैम मेरे पास तो बस डी तक ही ऑप्शन शो हो रहे थे और एमसीक्यूज में किलो वॉल्ट केवीपी था उसमें, तो उसमें किलो वॉल्ट ही दिया हुआ था, एक और भी था वो किलो वॉल्ट. अच्छा इसमें दो थे ऐसे जी, एक में पूछा था प्राइमरी एक्सरे बीम penetration through a patient can be increased by increasing the ये वाला. Yes ma'am, KVP था ना, तो इसमें दिया ही नहीं हुआ था. इसमें क्या नहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा था KV का. मैम मैं ये कह रही हूँ कि KVP होता है ना, किलो वॉट तो हमारे पास पहले जब हाई वोल्टेज जनरेटर में से जो वोल्टेज जो है वो KVP में कन्वर्ट होता है, फिर एक्सरे ट्यूब में KVP जाता है, तो ये तो किलो वॉल्ट है, ये तो हमारे पास मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपके पास चार ऑप्शन या चार या पांच ऑप्शंस शो हो रहे थे कि नहीं. चार हो रहे थे बस, पांच तो किसी में भी नहीं हुए, चार ही. हर एक में चार ऑप्शन शो हो रहे थे, पांचवा किसी में भी नहीं शो हुआ. नो मैम. चलो अभी सारे बच्चे आ रहे हैं, मैं पूछती हूँ फिर उसके बाद देखती हूँ. ठीक है मैम, बहुत बुरा क्विज हुआ है. चलो ये कौन है? Me. क्यों बुरा हुआ है? मैम इतने कंफ्यूजिंग से वो जो थे ऑप्शंस थे, एक अगर फॉर एग्जांपल अगर चार एमसीक्यूज है उसमें ऑप्शंस हैं, तो ए पे ओनली ऑफ ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है, सेकंड पे नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है, और तीसरे पे जो सही आंसर लिखा हुआ है, और चौथे पे कोई आंसर लिखा हुआ है. तो जब अब मैंने कोई टिक कर लिया है ना, तो उस पे आंसर आया है, जब मैंने फिनिश किया रिव्यू जब किया मैंने, तो उसमें आया है वो ऑप्शन ए एंड बी था. अब उस वक्त तो ऑप्शन ए एंड बी जो था वो ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव था. ओहो, मुझे लग रहा शफल हो गए हैं सारे वो जो थे, क्या कहते हैं, ऑप्शंस शफल हो गए हैं. यस मैम बिल्कुल ऐसा ही था, समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ऑल ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव और इस तरह नीचे जो ऑप्शन था वो तो बन ही नहीं रहा था और ई वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा था. वो मुझे लग रहा है शफल हो गए, क्योंकि शफल एमसीक्यू शफल करने को कहा था उन्होंने, सारे ऑप्शंस भी शफल कर दिए.
मैम एक और चीज थी कि जब हम अंडर पेनिट्रेशन देते हैं तो वो तो ओवरऑल जो एक्सरे होता है, जो हमारे पास रेडियोग्राफ होता है, वो तो वाइट नजर आता है, तो जब हम कंट्रास्ट देंगे तो नजर नहीं आएगा, लेकिन उस पे तो वो गलत ऑप्शन आ अच्छा, रहा था। ये वाली चीजें तो बाद में डिस्कस करेंगे ना कि स्टेटमेंट्स क्या थी, मुझे पहले जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए हैं ना वो तो देखने दो ना कि क्या प्रॉब्लम आए। मैम एक तो आप लोगों टेक्निकल के पास, एक सेकेंड, एक आप लोगों के पास हुए हैं सारे ऑप्शंस शफल, ठीक है, यस ऑप्शन मैम शफल हुए हैं, वो मेरे पास जो थे ना वो मैं देख लेती हूँ कौन कौन से थे। एक फाइव था जिसमें ई ऑप्शन तक थे, एक दो तीन चार पांच, ठीक है पांच। मैम सारे एमसीक्यूज रह गए मैम, चलो मैं सारे नहीं कैसे मतलब कि कह मैम सकती मैम हूँ, 11 अभी एमसीक्यूज रह गए, मैम अभी मेरे को सबसे पांच या छह पढ़ाई में सब्जेक्ट स्ट्रेस है, वो मैम क्लियर टाइम करने बहुत में। टाइम कम था में मैम मैम, इतना ये काम थर्टी था, सारे सेकंड वाले एमसीक्यूज एमसीक्यूज अटेम्प्ट थे भी ही नहीं नहीं। हुए। मैम स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आधा मिनट गुजर जाता था, पता ही नहीं चलता था। और मैम हम जी मैम बाकी में बहुत कम टाइम था। मैम इतना तो हम घोल के भी पी लेते तो जल्दी नहीं कर सकते थे मैम, बहुत कम टाइम था मैम। इतनी छोटी छोटी सी मैंने स्टेटमेंट्स दी हुई थी, 5 सेकंड के मैम अंदर बंदा रिव्यू कर स्टेटमेंट पढ़ सकता है। रहे, मैम मैम दो तीन एमसीक्यूज ऐसे थे मैम जिनके सोचना स्टेटमेंट भी तो समझते होता में है हमें ना, मिनट मिनट लगते हैं ना। कनेक्ट होने में इतना टाइम लग रहा है। मैम मेरी बात सुने, ये जो कन्वेंशन है रेडियोग्राफी में जो ऑप्शन है ना वो 120 kVp है, लेकिन ऑप्शन में केवीपी था ही नहीं। और मैम एक वो था डेंटल वाला और पोर्टेबल वाला, दोनों बनता था और आपने ऑप्शन, ऑप्शन और मैम मैम आपने रॉन्ग ऑप्शन था, ऑप्शंस आप लोगों के दिया। पास शफल होके आए हैं, मेरे पास अभी तक ये एक प्रॉब्लम आई है, ठीक है। इसमें ये है कि जो फॉर एग्जांपल मैंने ए और बी दिया था, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी था, वो पहले पे आ गया है, यूं हुआ है, ठीक है। एक मैम यस आपके मैम इस ऑप्शन तरह शफल हुए हैं, ठीक है। अब ऐसे जो कुछ ऑप्शन थे जो कि ए एंड बी वाले थे वो मैं देख लेती हूँ कितने, उनका हम देख लेते हैं। बाकी जो है ही चार तो ऑप्शन थे, उनमें से तो आपने करेक्ट को ही चूज करना था ना। लेकिन मैम और जो मैम हमारे अटेम्प्ट ही नहीं हुए आंसर उतना ठीक हो हमारा तो क्या करेगा था मैम, मैम, जो टाइम टाइम नहीं कितना पूरा काम हुआ था, मैम, 11 MCQs टाइम ऐसे रह गया। ये ए एंड बी और इस तरह वाले कितने थे सर, मुझे पहले देखने दो। मैम टाइम मैम हमने बाकी में अटेम्प्ट बहुत ही, ज्यादा मैम कम देखो हमने था, अटेम्प्ट ही 6-7 किया, भैया स्टेटमेंट पढ़ने बताओ में भी कितने देर लगती होंगे। है, ऊपर से सोचने में भी देर लगती है। मैम 30 सेकेंड्स मैम बहुत कम थे मैम। मैम वो कुछ भी ऐसे है एमसीक्यूज थे जिनको सोचते हुए टाइम लग रहा था और बहुत मैम, कम आप टाइम बेशक था। कैमरा ऑन करा के अभी एमसीक्यूज करा ले मैम आते होंगे, लेकिन मैम टाइम लगता है सोचने मैम एक एमसीक्यू में। आता था जिसमें ओवर एक्सपोजर और अंडर एक्सपोजर दोनों ऑल ऑफ द अबव के अंदर आंसर आ रहे थे, ये फॉरेन आ यस रहा था। मैम हाँ वो क्योंकि ऑल मैम ऑफ द पैनिक अबव के अंदर तो था। वैसे ही इतना मुश्किल हो जाता है इतनी जल्दी जल्दी क्विज करना। मैम एक तो क्विज टाइम थोड़ा था, फिर ऊपर से ऐसे दो चार कंफ्यूजन वाले थे, वो वैसे ही भूल जाता था कि अब क्या करना। और मैम 30 सेकंड वैसे ही पेज ही फ्लैश करने में मैम आप आप हमारा रीटेक लें क्विज का, इसकी लग 10% और वेटेज मैम है, जब हमारे तो मार्क्स नेक्स्ट, इतने कम है। मैम मैम जब इतने कम, नेक्स्ट मैम मैं क्वेश्चन तो पास करते हैं ही तो नहीं हूँ इतनी मैम, देर ज्यादा तो लगती मेरे थी वैसे ही नेक्स्ट रह गए। क्वेश्चन आने में। गेस और मैम मैम स्टार्टिंग में भी वो एग्जैक्टली नेक्स्ट उस टाइम पे ओपन नहीं क्वेश्चन हुआ था। मैम 2 मिनट्स यस मैम ले, स्टार्टिंग मैम में प्लीज दो रीटेक ले क्वेश्चन के लें, बाद ओपन। मैम 3 MCQs है बाद जो में ले ए लेना और बी इसका, ये वाला वाले क्विज जो है MCQs, ना रिड्यूस करें। कोई एक बोलेगा तो मुझे समझ आएगी ना, तीन समझ एमसीक्यूज क्या हैं बोल ए रहे और हैं, बी देख ले बहुत लें। इजी थी मैम। 3 MCQs हैं ए और बी ऑप्शन वाले जो शफल हुए हैं। ठीक है शफल वाला पहले मुझे एक एक करके ना आप लोगों के इश्यूज मुझे सुनने दो, फिर इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के जो ए एंड बी और ऑल ऑफ द अबव इस तरह वाले ऑप्शंस थे ना, मैंने 20 आपको पूरे एमसीक्यूज दिए थे, जिसमें से एक प्राइमरी एक्सरे बीम पेनिट्रेशन वाला वो था जिसके अंदर ऑप्शन थे, उसमें ऑप्शन ए एंड सी जो ऑप्शन था ना वो केवी इनफिल्ट्रेशन वाला राइट आंसर था, ठीक है। अब वो ए एंड सी किस तरह वो शफल हुआ है अब मैं वो देख लेती हूँ। एक ये हो गया, उसके अलावा हमारे पास 7 था, ठीक है। द रेडियोग्राफिक विजिबिलिटी एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ 1 cm सॉफ्ट टिश्यू मास इन द बॉडी वुड जनरली बी डिक्रीज बाय एन इंक्रीज इन दिस वन, ठीक है। इसके अंदर भी बोथ बी एंड सी एंड बोथ ए एंड बी दो, ठीक है। उसके और मैम एक बाद आप हमारे पास गया स्टेशनरी ऑल ऑफ वाला, ये अंडर एक्सपोजर ओवर एक्सपोजर और ओवर डेवलपमेंट वाला जो था ऑप्शन, इसमें तो ऑल ऑफ द अबव ही आना था, आप जो भी करेक्ट ऊपर नीचे कर लेते, ठीक है। हाँ ठीक है अभी तक 2 हैं जो बोथ ए एंड बी वाले थे। अभी यस मैम स्टेशनरी रुक अमाउंट जाओ वाला रुक भी जाओ आना रुक जाओ रुक जाओ, मुझे पहले देखने दो। अच्छा फिर एक और है यहाँ पे, व्हेन द स्मॉलर फोकल स्पॉट साइज ऑफ एन एक्सरे ट्यूब इज सिलेक्टेड यू वुड एक्सपेक्ट, इसमें भी बोथ एंड बी वाला, ठीक।
लेकिन इसमें ऑप्शन एक ही था, वो जो राइट आंसर था डी वाला, जो बोथ एंड बी, वो कंफ्यूजिंग था. अच्छा ये कितने हो गए आपके, 1, 2, 3, इसके अलावा 4. विच टाइप ऑफ एक्सेस आर प्रोड्यूस इन मैमोग्राफी, ठीक है, और इसके अंदर भी बोथ एंड बी है, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन करेक्टरिस्टिक एक्सरेज ही सिर्फ जो था वो करेक्ट था, इसमें भी कंफ्यूजिंग कोई नहीं है, ठीक है. फिर आ गया द ग्लास एनक्लोजर ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज मेड ऑफ, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है. स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब्स आर यूज्ड इन, ये है जिसके अंदर शफल हुआ है. डेंटल एक्सरे और पोर्टेबल, बोथ ए एंड बी होना चाहिए था और बोथ ए एंड बी जो था मेरे ख्याल आपसे शफल हुआ है, ठीक. एक दो और तीन मेरे ख्याल ऐसे हैं जो आपके इस तरह प्रॉब्लम हुए हैं, ठीक है, जो शफल हुए. बाकी तो अगर शफल हुए भी हैं तो आपने उसमें से करेक्ट आंसर ही चूज करना है, उसमें ए एंड बी या इस तरह वाला कोई ऑप्शन नहीं था, जो भी शफल होके आया था आपने उसको करेक्ट आंसर को करेक्ट कर देना था. अब बताओ दूसरा मसला क्या है. मैम टाइम लोग टेक्स्ट करते थे ना तो एक मिनट से ज्यादा नेक्स्ट होने में लग जाता था, जिसमें हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ, और पहले क्विज खुला भी 2 या 3 मिनट मोस्टली लेट है सबका. आपने मुझे मोस्टली स्टूडेंट्स का कंप्लीट ही नहीं हुआ और पहले ही बंद हो गया था. आप लोगों ने क्विज फर्स्ट टाइम दिया इस तरह. मैम इतने कम टाइम में बाकी बहुत ज्यादा कम था, किसी का भी नहीं कराया, 4 मिनट ऊपर होते तो शायद पेपर. मैम मेरा खुद 9:37 पे जाके क्विज ओपन हुआ है, तो मेरा तो इतना सारा टाइम वेस्ट हुआ है. मैम स्टार्टिंग 9 से हुआ, 10 तो हमने देखा ही नहीं ऊपर टाइम का, स्टार्टिंग 9:10 से हुआ, मतलब 14 मिनट तो देखने में भी नहीं मिले, बाकी अलग है. मैम ठंड थी की आज रोल गए हैं, कितना आया भाई अल्लाह. मैम हमारा रीटेक लेना. मैम प्लीज मुझे बताओ, ये एलएमएस के मसले ही तुम लोगों के नहीं सॉल्व होते ऑनलाइन, ये मुसीबत मुझे खुद नहीं समझ आता कि एग्जाम लें तो ले किस तरह. एक तो यूनिवर्सिटी का कोई बना दिए, एक असेसमेंट लें फारिग करें फाइनल लें बस, मतलब क्विज लें आप, ये लें फलाना लें वो लें, और बच्चों के इतने प्रॉब्लम्स ऑनलाइन आ रहे हैं, इतने मसले आ रहे हैं, नहीं ऑनलाइन हो सकता इस तरह, तो आप लोग उनको बुलाएं और यहाँ पे आप एग्जाम लें जब एग्जाम्स ही लेने हैं तो. मैं आप लोगों का रीटेक लूंगी, देन अगेन वही प्रॉब्लम. नो मैम टाइम दे दे मैम टाइम दे दे. अच्छा रीटेक करने में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी का लेट खुलेगा किसी का पहले खुलेगा तब नहीं प्रॉब्लम होगी. मैम टाइम इंक्रीज कर दीजिएगा प्लीज, किसी की समझ नहीं आ रही है हम क्या बोल रहे हैं, गलती भी नहीं दे सके हम लोग. मैम एक्चुअली जब हम लोग मैम आप भी तो देखोगे लोडिंग में टाइम लगता, थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम दे देती, मैं ये बोल रही हूँ. चले ठीक है बाकी इश्यूज अपनी जगह, टाइम ही बहुत कम था मैम. यस मैम. मैम कम अज कम एक एमसीक्यू पे 1.5 मिनट लोडिंग के साथ, अगर बहुत कम देना था तो मिनट मैम, 30 सेकंड तो मैम लोड होते होते वो टाइम चला जाता था. मैम स्टेटमेंट के साथ ऑप्शन भी पढ़ने थे, फिर उनमें से सिलेक्ट करना था. और मैम देखे एक बच्चे का तो नहीं इशू ना, पूरी क्लास को टाइम का इशू है. मैम मेरा भी इसको आता नहीं, इसने 2-3 बार पढ़ा है, क्लास पढ़ते रहे सुबह आके जैसे देखा इतना टाइम ही नहीं था. मैम सोचते सोचते टाइम ही गुजर जाता था मैम, इतना कम टाइम था, पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ. 10% वेटेज है मैम, प्लीज कुछ करें प्लीज मैम. उन लोगों का चक्कर है ना, जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो भी उनका फायदा हो जाता है. मैं पढ़ने मैं दोबारा ले लेना मैम, मैं रीटेक अगर लेती हूं तो फिर मैं यू एलएमएस के ऊपर तो नहीं ले सकती हूं, तो बाय बाय रख लो मैम. जो आप लोगों का क्लास पार्टिसिपेशन गूगल फॉर्म्स पे ले लें आप, क्या चीज मैम वाइवा ले लें आप, गूगल फॉर्म्स पे आप ले लें, क्या ले लें एक बोला करो यार, समझ नहीं आती. गूगल के ऊपर आप एमसीक्यूज दे दें, गूगल फॉर्म्स पे दे दें. गूगल के ऊपर किस तरह दे दूं, गूगल पे थोड़ी एलएमएस के ऊपर इन्होंने गूगल फॉर्म पे आ जाता मैम एमसीक्यूज. मैम आप वाइवा ले लें, हम एक पीस बात पे मैम आप वाइवा ही ले लें. वाइवा ठीक है, हमें भी वाइवा है, फिर वो सारा वाइवा नहीं, वाइवा नहीं मैम, वाइवा नहीं नहीं क्विज वाइवा. आपका जो क्लास पार्टिसिपेशन है वाइवा ही है, 5% का भी वाइवा हो जाएगा, अभी भी वाइवा. आप सब अपने अपने माइक बंद करो, सब बंद करो अपने माइक. अब जो बोलेगा हैंड रेस करे और उसका मैं खुद अनम्यूट करूंगी, एक एक करके बोलो.
समझ से बाहर है क्या मतलब इतने सारे एकदम से बोलना शुरू कर देते हो यार एक एक करके बोलो सब क्यों इकट्ठे शुरू हो रहे सब अपने म्यूट कर लो ओके मैम बोलो आयशा इम्तियाज आप पहले बोलो मैम जो आपने क्लास पार्टिसिपेशन का वाइवा लेना है वो क्विज के वाइवा की तरह थोड़ी है वो तो आपने रैंडमली क्वेश्चन करने हैं आप ये जो हमारा क्विज क्विज की जगह वाइवा ले लें ताकि हमारी 10% वेटेज जो है वो वेस्ट ना हो हम लोगों ने प्रिपरेशन किया हमें वाइवा में कोई इशू नहीं है अच्छा नादिर हुसैन जी मैम यही सेम बात है हमने वाइवा ही देना है हमने तैयारी की हुई है इधर टाइम नहीं वाइवा आपके हैं बहुत सारे वाइवा हैं आगे एक असेसमेंट नहीं है बार बार वाइवा तो नहीं होने वो आप छोड़ दो वाइवा भी होने हैं आपके ठीक है तो फिर मैम फिर रीटेक ले लें क्विज का टाइम बढ़ा दें इस तरह फिर कर लें अच्छा और फाखरा आपका क्या इशू है मैम जो वाइवा देना चाह रहा है वो वाइवा दे ले हमारे बस 60% मार्क्स आ गए मैं तो वाइवा नहीं दे सकती क्योंकि मैं बार बार हॉस्पिटल से छुट्टियां नहीं ले सकती मैं जॉब भी करती हूँ क्या मसला है आपका छुट्टियां नहीं ले सकती किस चीज की मैम मैं जॉब करती हूँ और रोज रोज मुझे इतने ज्यादा ऑफ नहीं मिलते जब भी मेरी असेसमेंट होती है तभी मैंने ऑफ लेना होता है उधर से बेटा आप पहले पढ़ लो या जॉब कर लो एक ही चीज हो सकती है उस टाइम पे ही आपका जॉब है और उसी टाइम पे आपका क्या कहते हैं क्लासेस हैं तो फिर आप क्लासेस को कह रही हो कि मैं क्लासेस नहीं ले सकती मैं जॉब कर रही हूँ नो मैम मेरी क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं और जॉब इवनिंग में होती है लेकिन पढ़ने के लिए मॉर्निंग में ही आपके क्लासेस का मैं बोल रही हूँ आपको क्या मैं छुट्टियाँ नहीं ले सकती व्हाट डज दैट मीन मैम जो बच्चे कह रहे हैं कि रीटेक ले लें मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जो जिनको प्रॉब्लम है वो वाइवा दे दें जो जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो इन्हीं के इन्हीं मार्क्स के साथ चलना चाह रहे हैं तो उनको इन्हीं के साथ रहने अच्छा ठीक है जुबिया मैम मैं ये कह रही थी कि जो LMS है ना वो ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के बाद जो ओपन होता है यहाँ पे जो टाइम दिया होता है ना उसके 2 मिनट्स के बाद वो जो यहाँ पे लॉगिन होता है हमारा ठीक है और दूसरा मैं ये कह रही थी कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस इसमें ऐसे थे कि वो थे ही नहीं जैसे हमारे पास ये KV वाला था वो मैंने आपको कहा 2 MCQ इस तरह है यहाँ पे कि उसमें KVP था तो यहाँ पे KV दिया था कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने उसमें नन ऑफ द अबव लगाया तो यहाँ पे आंसर जो है वो कह रहे हैं 120 KV क्योंकि KV तो हो ही नहीं सकता वो मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि KVP क्योंकि हाई वोल्टेज जनरेटर क्या करता है मुझे आपकी समझ आ गई ऑप्शन शफल हुए हैं मैं बार बार कह रही हूँ उसके ऊपर आप कह रही हो जो नन ऑफ द अबव और वो KV जो भी था वो आ नहीं रहा था ऑप्शन नहीं मैम मुझे 3 MCQs आपने भी डिस्कस किए हैं उसके अलावा 2 मैं कह रही हूँ 2 MCQs इस तरह है कि उसमें KVP है लेकिन ऑप्शन में वहाँ पे KVP दिया ही नहीं हुआ ये मैं कह रही हूँ कौन सा था केवी वाला 2 है एक द एक्स्ट्रा बीम पेनिट्रेशन थ्रू अ पेशेंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द दिस वन इसमें ऑप्शन थे केवी एमएएस फिल्ट्रेशन बोथ ए एंड बी बोथ ए एंड सी मैम एक जो है अच्छा दूसरा एक और था रेडियोग्राफिक विजिबिलिटी एंड कंट्रास्ट ऑफ अ 1 सेंटीमीटर सॉफ्ट टिश्यू मास ये वाला इन द बॉडी वुड जनरली बी डिक्रीज्ड एक 4 MCQs है factors which would appropriate for conventional test KV वाला आप कह रही हो ना KV वाला तो यही 2 है बस जी 4 वाला ये वाला है और एक और KV वाला है वो वाला उन दोनों इन दोनों इनमें से ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था मतलब इसमें MCQs में ऑप्शन ही नहीं था क्योंकि KVP होता है तो वो था exact KV तो है ही नहीं था इसके साथ यहां बोथ ए एंड बी का ऑप्शन था या बोथ ए एंड सी का दोनों में से कोई करेक्ट करना था एक के साथ KV एंड फिल्ट्रेशन था बोथ ए एंड सी का ऑप्शन इसमें आना था फिल्ट्रेशन से भी जो है वो उसकी इंक्रीज कर देते हैं हम बीम को ठीक है और दूसरा KV से भी 2 ऑप्शन थे इसमें करेक्ट मैम मैं ये कह रही हूँ कि KVP था KV नहीं था KV नहीं था ओके ठीक है ऑप्शन ही ये नहीं था अच्छा चलो आज का लेक्चर खत्म करो मैं देखती हूँ इसके ऊपर अब क्या करना है ओके मैम ओके थैंक यू ओके मैम ऑनलाइन तो मसले ही इतने ज्यादा हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता एग्जाम मैम आप मैम टाइम बस बढ़ा दें क्विज हो जाएगा 11 मैम टाइम बढ़ा दो कर लो तुम लोग यहां भी ट्राई नहीं कर लो ना तुम लोग वो बच्चे हो कि यहां पे ये इशू पहली दफा नहीं आए हैं जब जब असेसमेंट्स हुई हैं तुम लोगों के इश्यूज
असेसमेंट्स में ही सारी नजर आती है। मुझे सुबह से इतनी ईमेल्स आ रही हैं बच्चों की कि हमारा जी अब इनको याद आया हमारा पोर्टल ब्लॉक है। अब मुझे ये बताओ तुम लोगों को, मैंने लास्ट वीक से तुम लोगों को अनाउंस करती आ रही हूँ कि तुम लोगों का LMS के ऊपर होना है, LMS के ऊपर होना है, उसी दिन आके तुम लोगों को याद आया कि तुम लोगों का पोर्टल ब्लॉक है। आधे बच्चे तो शहजादे ऐसे हैं कि मतलब उनको एक वीक से अगर ये प्रॉब्लम थी कि पोर्टल ब्लॉक है तो उसको मसले को रिजॉल्व करो। दूसरा मैंने ऑप्शन दिया था कि अगर वो नहीं आ सकते, पोर्टल ब्लॉक है, इतनी जल्दी नहीं रिजॉल्व हो सकता, वो यहाँ यूनिवर्सिटी में आ जाए जैसे भी है, या यूनिवर्सिटी में बैठ के मैं इनको हार्ड में देती हूँ, या बैठ के मेरे सामने वो अपना सॉल्व करें पेपर, ठीक है, कोई बच्चा नहीं आ रहा। मतलब आप लोग सस्पेंस को इस तरह इजी समझते हो कि एग्जाम को कुछ भी नहीं है, मर्जी से आप लोग एग्जाम देते हो, मर्जी से डेट फिक्स करवाते हो, मर्जी से अपना सिलेबस करवाते हो, हर चीज मर्जी से लेनी है तो डिग्री भी मर्जी से ले लो। मैम लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर तो एंटर भी नहीं होने दे रही, मेरी रीजन वैलिड है मैम कि ठीक है ये गलत बात है, लेकिन मैम टाइमिंग का, मैम मेरे 11 MCQs रह गए हैं, जो 9 थे उनमें से मेरा 1-2 गलत हुआ है, जहाँ 11 रह गए मेरे सारे मार्क्स ही मैम नीचे आ गए, बेशक मुझसे कम अज कम मैम वाइवा ले ले, लेकिन ये 10% मत लगाए मैम मेरे सारी वो रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न LMS के ऊपर नहीं होगा, ये LMS के मसले हमेशा ही रहने हैं, ठीक है। इसका मैं करती हूँ कुछ के किस तरह अब आपका क्विज होगा, रीजनल वाले भी और मस्कोस का सबको जो है ना मैं आज ईमेल कर दूंगी, जो रीजनल भी मुझसे पढ़ रहे हैं वो जो मैमो के साथ, उनका भी कोई क्विज नहीं होगा रिटर्न में, ठीक है। LMS के ऊपर इसके मैं क्या करती हूँ, या तो स्पॉटिंग लेती हूँ आपसे, वो इमेजेस आपको यहाँ पे एक एक को इमेजेस दिखा के वो इमेजेस की स्पॉटिंग करवा लेती हूँ, ठीक है। 5% वो कर लेते हैं, 5% उसमें आपके जो क्लास असेसमेंट वाला उसमें इंक्लूड करके 10% की जो है वो आपका वाइवा टाइप जो भी ओरल सुनना है वो मैं ले लूंगी। थैंक यू सो मच मैम, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर देखती हूँ अब क्या करना है कि ये वाले मार्क्स तो आपके फजूल है, लेकिन मैम जिनका आज सही हुआ वो उनका रहने दो फिर, ठीक है। 20% हम लोगों ने करनी है ना जो सेशनल है, बाकी जो 20% आपका मिड है और 60% फाइनल है। 20% जो आपके सेशनल में, यही अब मैं कर सकती हूँ कि जो 5% आपकी वो थी क्लास पार्टिसिपेशन उसको 10 कर दूं और वो ओरल वाइवा हो, ठीक है। वो आपसे मैं क्लास में जो पहले 1-2 क्वेश्चन पूछने थे अब 3-4 पूछ लूंगी, ठीक है। तो वो क्लास में इसी तरह आपको मीटिंग ऑन कर लूंगी और जिस तरह वाइवा आपका हो रहा था एक एक बच्चे को उसमें बुला के जो है ना क्वेश्चन पूछ लूंगी, ठीक। और उसके अलावा जो है फिर 5% आपकी असाइनमेंट है और 5% जो है मैं कुछ स्पॉटिंग कर लेती हूँ या जैसे भी देखती हूँ क्या करना है। हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और कुछ नहीं, आप लोगों के लिए आसानियां से आसानियां। 10% कर लें, अब मुझे कोई बोले ना कि क्या कर लें, मुझे पता है क्या करना है, हर चीज अपनी मर्जी से मत करवाया करो, क्विज नहीं होगा, ठीक है। एक चीज समझ आ गई है कि सबका LMS का नेट का इश्यू है, आपके पास लोड हुआ है, लेट लोड हुआ है टाइम का, मुझे समझ आ गया एक इशू हो गया, ठीक है। दूसरा शफल होके आ गए आपके पास MCQs, दो मसले से जो है वो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। इसके अलावा कोई मसले को मैं नहीं सुन रही कि जो है मेरा पोर्टल ब्लॉक था या ये था तो या वो था, ये दो इश्यूज जो थे ना आपके वैलिड हैं, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम कम था और आपके पास खुला लेट है, और ये नेट का इशू हमेशा ही हर एक के पास रहता है। ऑनलाइन में यही मसले हैं कि आप असेसमेंट ऑनलाइन इस तरह नहीं ले सकते, मसले ये। एनीवेज, अच्छा आज का लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट करना है फ्लोरोस्कोपी के ऊपर, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरेस पढ़ा था, बेसिक सोर्स क्या होती है एक्सरेस की, एक्सरेस की प्रोडक्शन, एक्सरे ट्यूब की अंदर जितने भी उसकी अलाइनमेंट क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं, कैसे एक्सरेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसकी प्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने उसका पूरा हाउसिंग पढ़ी थी, उसके बाद उसकी फिल्ट्रेशन के लिए क्या यूज होता है, कैसे उसको कॉलिमेट करते हैं, एक्सरेज की बेसिक्स पढ़नी थी हमने। फिर हम लोगों ने उसी एक्सरे को एज अ सोर्स यूज करते हुए हम लोग मैमोग्राफी की तरफ आए थे, ठीक है। मैमोग्राफी में सोर्स एक्सरेज ही थी, लेकिन उसमें लो डोज एक्सरेज यूज हो रही थी, लो KVP यूज हो रहा था, और उसके अंदर कुछ चीजें जो थी वो मैंने उसकी मशीन में आपको सारी पढ़ाई थी कि मैमोग्राफी में किस तरह की उसकी मशीन के अंदर चीजें होती हैं, एंड देन मैमोग्राफी होता क्या है बेसिकली, इट इज फॉर द ब्रेस्ट इमेजिंग, उसकी हमने एनाटमी एंड देन उसकी पैथोलॉजीज और उसका मैमोग्राफिक अपेयरेंस उसकी पढ़ ली थी, ठीक है। अब आ जाओ उसके एक्सरेज के ही सोर्स के अंदर, हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लोरोस्कोपी का। वो क्या है, जिस तरह हम लोगों ने एक्सरेज के अंदर स्टैटिक इमेजिंग करते थे, उसके अंदर एक बस एक्सपोजर हुआ और हमारे पास फिल्म के ऊपर IR जिसे कहते हैं, जो हमारे पास फिल्म होती है, रिसेप्टर है हमारे पास, इमेज रिसेप्टर IR जो है, ठीक है,
उसके ऊपर इमेज जो है वो फॉर्म होता है और उसके एक स्टैटिक इमेजिंग है, जिसका एक फिल्म सॉरी एक क्या कहते हैं एक पिक्चर है बस, ठीक है। उसके बाद मेमोग्राफी भी सेम यही है, पिक्चर आती है हमारे पास, लेकिन इन्हीं एक्सप्रेस को यूज करते हुए अगर हम लोग कुछ मूवी मतलब बनाते हैं या छोटी सी फिल्म बनाते हैं एक्सप्रेस की ही, ठीक है, तो उसको हम लोग डायनेमिक इमेजिंग कहते हैं, उसको हम मूविंग स्ट्रक्चर्स जो है ना उनको देखने के लिए हम लोग जो इमेजिंग यूज करते हैं डैट इज फ्लोरोस्कोपी, ठीक है। सोर्स वो ही एक्सरेज है, मशीन थोड़ी एक्सरे प्रोडक्शन उसी तरह होगी जिस तरह उसकी एक्सरे ट्यूब के अंदर थी, ठीक है, एक्सरे ट्यूब इसी तरह इसमें भी है, ठीक। इसका जो किस तरह डिजाइन की जाती है कि एक्सरे ट्यूब इसमें किस जगह पे होती है, उस जगह उसमें हम लोग क्या करते थे कि पेशेंट जो था अकॉर्डिंग टू इंटीरियर पोस्टीरियर करना है, पोस्टीरियर इंटीरियर करना है, तो हम लोग उस इमेज को एक्सरे ट्यूब को उसके ऑपोजिट रखते होते थे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हम लिटा के करते हैं फ्लोरोस्कोपी, ठीक है, टेबल होता है, टेबल के नीचे जो है वो एक्सरे ट्यूब होती है और पेशेंट के ऊपर जो होता है ना वो इमेज रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जिसे कहते हैं, ठीक। इसमें क्या होगा कि हमारा जो पेशेंट है वो टेबल के ऊपर लाए करेगा और टेबल के नीचे एक्सरे ट्यूब लगी होगी, वहां से एक्सरेज इमिट होंगे और पेशेंट के अंदर से होते हुए जो ऊपर पेशेंट के ऊपर हमारे पास रिसेप्टर्स लगे हुए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जहां पे इमेज जो है वो रिसीव होगा और वो वहां से फिर इलेक्ट्रॉनिकली हमारे मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसकी अलाइनमेंट इस तरह से डिफरेंट होती है कि एक्सरे ट्यूब इज बीनीथ द पेशेंट, जो टेबल है उसके नीचे एक्सरे ट्यूब लगी होगी, ठीक है, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है वो ऊपर लगी होती है और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो है वो क्या करती है, वो एक्सरेस को कन्वर्ट करती है पहले लाइट के अंदर, ठीक है, इंटेंसिफाइंग उसके अंदर ऐसे जो मटेरियल है कौन सा केमिकल लगा होता है वो हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एक्सरेस को जो है वो लाइट में कन्वर्ट करेगा, देन लाइट जो है वो रिसीव होगी, फिर आगे हमारा मॉनिटर लगा होता है उसके ऊपर डिस्प्ले होगी, फिर जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी जिस तरह हम एक्सरेस के अंदर देखते थे उसका इमेज फॉर्म होगा बट इन मूविंग फॉर्म, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी इज यूज टू विजुअलाइज मोशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड द फ्लूइड। समझ आई कि ज्यादातर फ्लोरोस्कोपी किए जाते हैं हम लोगों ने जहाँ पे मूवमेंट देखनी होती है। अब हमारे कुछ बेरियम की स्टडीज ऐसी हैं कि हम लोगों ने जो भी हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं हमारा एसोफिगस से लेके हमारे रेक्टम तक पूरे जीआई ट्रैक को अगर हमने विजुअलाइज करना है तो वो हम फ्लोरोस्कोपी के अंडर इसके प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। मूविंग स्ट्रक्चर्स है, मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया था, इसमें क्या होता है कि हम लोग फॉर एग्जांपल अपर जीआई को हम लोगों ने देखना है, उसकी कोई भी डिजीज है, डिस्फेजिया है पेशेंट को, डिफिकल्टी है स्वेलिंग में, उसमें क्या करेंगे पेशेंट को हम लोग बेरियम जो है वो पिलाते हैं और उसके बाद उसकी स्पॉट फिल्म्स लेते हैं। स्पॉट फिल्म्स क्या होती हैं? स्पॉट फिल्म्स ये होती हैं कि हम थोड़े टाइम के लिए पेशेंट का जो एक्सरेज है उसको सिर्फ एक तो होता है ना जैसे एक्सरेज में बस बटन दबाया और एक्सरेज निकली और इमेज हमारे पास आ गई, इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखते हैं, उतनी देर के लिए हमारे पास एक्सरेज इमिट होते हैं और उतनी देर के लिए हमारे पास वो जो इमेज है वो मूवमेंट में हमें, फिर हम फौरन से छोड़ देते हैं। हम ये नहीं कि हर वक्त एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाते रहते हैं और उससे क्या होता है कि हमारी पेशेंट का जो जो हमने प्रोटेक्शन देनी है वो जो है खत्म और पेशेंट इंक्रीज हो जाती है उसके अंदर रेडिएशन के चांसेस, ठीक है, वो रिस्क पे चला जाता है। तो हम लोगों ने पेशेंट प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबसे पहले पेशेंट की प्रोटेक्शन ही देखनी होती है, तो हमने इतनी देर के लिए एक्सरेज को ऑन नहीं रखना कि पेशेंट को रेडिएशन मिले। स्पॉट फिल्म लेते हैं थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए, जो हम लेते हैं फिल्म दैट इज स्पॉट फिल्म, ठीक। इसके अलावा हम लोग एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी इज फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द वेसल्स, जितनी भी वेसल्स हैं अगर उनकी हम लोग उसको देखते हैं उसको एंजियोग्राफी कहते हैं। तो एंजियोग्राफी ज्यादातर हम लोग हार्ट की वेसल्स को देखते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग उसके न्यूरोवेस्कुलर के अंदर जो एंजियोग्राफी यूज होती है, न्यूरो के जितने वेसल्स हैं उसमें भी हम लोग एंजियोग्राफी यूज करते हैं, वेसल्स की स्टडी को हम लोग एंजियोग्राफी कहते हैं। तो जब वेसल्स हैं आपको पता है कि उसके वो भी उसके अंदर से फ्लूइड को मूव करवाना है, हमने उसके अंदर डाई डालना है, डाई इंजेक्ट करना है पेशेंट के अंदर, ठीक है, वो हमें हाईलाइट हो जाएगा, वाइट कलर की वेसल्स नजर आएंगी, जहां पे ब्लॉकेज होगी वो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से आगे जो है वो डाई नहीं जा रहा, डैट मीन्स यहाँ इसके स्पेसिफिक एरिया में ब्लॉकेज है, ठीक है, कहीं से लीकेज हो रही है तो वो हमें वो डाई जो है वहां से लीक होता हुआ नजर आएगा। तो बेसिकली हमने क्या करना है, उस डाई को यूज करना है एज हमारे पास इमेज कंट्रास्ट के लिए,
ठीक है, उसमें व्हाइट कलर का जो नजर आएगा डेट इज द डाई जो कि या तो हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट को उसके वेसल्स को देखने के लिए या फिर हम पेशेंट को पिलाते हैं. ठीक है, वो बेरियम की स्टडीज होती हैं जीआई ट्रैक के लिए. ठीक, दो तरीकों से करते हैं. तो फ्लोरोस्कोपी इज द विजुअलाइजेशन ऑफ द मोशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड फ्लूइड. स्पॉट फिल्म्स लेते हैं. एंजियोग्राफी भी फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर ही है जिसके अंदर हम वेसल्स को विजुअलाइज करते हैं. अच्छा, फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या होता है, जिस तरह मैंने अभी बताया देयर इज अ हिडन एक्सरे ट्यूब अंडर द पेशेंट काउच. अब इसके अंदर पेशेंट जो है वो काउच पे होता है, लेटा होता है, और जो एक्सरे ट्यूब है वो उस टेबल के नीचे होती है. ठीक है, हिडन एक्सरे ट्यूब अंडर द पेशेंट काउच. इमेज इंटेंसिफायर ओवर द पेशेंट काउच. ठीक है, जिसने इमेज को रिसीव करना है हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर है वो पेशेंट के ऊपर लगा होता है, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर से एक्सरेज इमिट होके उसके ऊपर डिटेक्ट होंगे और वो आगे ट्रांसफर करेगा इमेजेस को इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली उसको ट्रांसफर कर देगा हमारे मॉनिटर के ऊपर. देन इमेज डिस्प्लेड ऑन द टीवी मॉनिटर. ठीक है, इमेज इंटेंसिफाई ने रिसीव की है, देन डिस्प्ले हुआ हमारे टीवी मॉनिटर जो साथ लगा हुआ है. ट्यूब करंट इसके अंदर 2 से 4 mA का यूज करते हैं हम लोग फ्लोरोस्कोपी के अंदर. हाई पेशेंट डोज होती है बिकॉज हम कंटिन्यूस एक्सरेज यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वो जो है एक्सरेज की प्रोडक्शन हो रही है, तो पेशेंट को हाई डोज जो है वो मिलती है. फ्लोरोस्कोपी इज अ हाई डोज प्रोसीजर, इसके अंदर हम लोग पेशेंट को हाई डोज दे रहे हैं. केवी डिपेंड्स ऑन द सेक्शन ऑफ द बॉडी बींग एग्जामिंड. अब हम केवी को सेट करते हैं अकॉर्डिंगली. इसके अंदर आगे लेक्चर के अंदर एक टेबल मैंने बताया हुआ है, उस टेबल के अंदर सारे केवीज लिखे हुए हैं कि हम लोग अगर इस ऑर्गन का अगर कर रहे हैं स्कैन तो इतना केवी रिक्वायर्ड होता है, इतना इतना. ठीक है, तो डिफरेंट केवीज हमें रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए. दिस इज द डायग्राम ऑफ द फ्लोरोस्कोपिक इक्विपमेंट. इसमें ये है नीचे जो है पेशेंट का, ये पेशेंट काउच. ठीक, ये हमारे पास ऊपर जो है एक्सरे ट्यूब और ये जो स्क्वायर सा बना हुआ है ना, दिस इज द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो कि यहाँ पे फिल्म लगती है, इसके अंदर कैसेट लगती है, जिस तरह की हमारे एक्सरे ट्यूब के अंदर एक्सरे के अंदर कैसेट लगती है ना, ये जो साइड पे नजर आ रही है व्हाइट कलर की. ठीक है, ये एक्सरे कैसेट है. ठीक है, ऊपर एक्सरे इमेज इंटेंसिफाइंग ट्यूब है. इंटेंसिफाइंग का क्या मतलब होगा, वो कन्वर्ट करेगा. ठीक, आगे हमारे पास स्पॉट फिल्म कैमरा लगा हुआ है और इस तरफ हमारे पास वीडियो मॉनिटर लगा हुआ है. साथ साथ यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट या जो भी हमारे पास परफॉर्म कर रहा है प्रोसीजर वो मॉनिटर के ऊपर साथ साथ देख रहा होता है इमेज को. ठीक हो गया, ये रियल इमेज है फ्लोरोस्कोपी का. ये हमारा ही डिपार्टमेंट होता था, फातिमा मेमोरियल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है. ठीक है, ये बहुत पुरानी पिक्चर है, अब तो काफी वहां पे चेंजेस आ गई हुई हैं. ठीक है, वहां पे हमने खुद ली हुई ये पिक्चर है. इसमें ये पेशेंट काउच होता था. ठीक है, इतनी पुरानी मशीन है ये, आपको नजर आ रही होगी, दिख रही होगी, अब तो इतनी ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल्स में जो है वो अच्छी मशीन आ गई हुई है. ठीक है, तो ये सामने आप देख रहे हो बकी स्टैंड. यहाँ पे चेस्ट एक्सरेज परफॉर्म किए जाते हैं पेशेंट को इसके साथ खड़ा करके बकी स्टैंड के साथ. ये हमारे पास एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब को हम उस तरफ को रोटेट कर लेते होते थे, इधर को कर लेते थे. ठीक है, और फ्लोरोस्कोपी के लिए पेशेंट को इस काउच के ऊपर लिटा के जो नीचे बॉक्स नजर आ रहा है, जो नजर नहीं आ रहा है, यहाँ अंदर नीचे एक्सरे ट्यूब होती थी फॉर द फ्लोरोस्कोपी. ठीक है, एक्सरे ट्यूब यहाँ पे है, ये ऊपर जो हम लोग को प्लेट नजर आ रही है ये इमेज इंटेंसिफाई. ठीक, और इसका जो मॉनिटर होता था ना वो दूसरे उस उधर पीछे लगा होता था. ठीक, इधर पीछे करके. ठीक है, तो कुछ जो है वो बिल्कुल सामने लगा लेते होते हैं, डिफरेंट डिजाइन होते हैं उनके, तो मॉनिटर सामने होगा, साथ साथ हम इमेज परफॉर्म कर रहे होते हैं. ये जो आपको कर्टन से नजर आ रहे हैं ना, दिस इज लेड. ठीक है, लेड के कर्टन है. ये हमारे पास ये होता है कि कोई जो भी परफॉर्म कर रहा है एग्जाम वो इस जगह पे खड़ा होता है साइड पे, तो पेशेंट के एक साइड पे हम लोग पेशेंट और जो परफॉर्म कर रहा है उसके दरमियान ये कर्टन आ जाते हैं कि वो जो रेडिएशन है एटलीस्ट जो पेशेंट ने भी सॉरी जो रेडियोलॉजिस्ट है या रेडियोग्राफर है उसने एक तो लेड एप्रन पहना होता है, साथ में ये भी एक प्रोटेक्शन के लिए कि यहाँ से जो स्कैटर्ड रेडिएशन है वो इधर उधर ना जाए, जो बिल्कुल पेशेंट के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है क्योंकि आप इसके पेशेंट के अंदर से इमिट होनी है एक्सरेज. ठीक है, तो वो उसको कम से कम जो है वो जो है ना रिसीव करे जो भी परफॉर्म कर रहा है उसको. ठीक है, तो ये ऑपोजिट होता है, इसके नीचे एक्सरे ट्यूब टेबल के नीचे होती है और जो हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर है या रिसेप्टर है वो हमारे पेशेंट के इस तरह ऊपर होता है. ठीक है, ये मॉनिटर पड़ा हुआ है जो मैं कही थी पीछे पड़ा होता है यहाँ पे.
ये पुराना मॉनिटर है आज से पता नहीं कितने सालों पुराना, ठीक है, ये पीछे आप देख रहे हो लेड एप्रन पड़ा हुआ है, ये पहनते हैं, पहन के हम परफॉर्म करते हैं, ये आपको एक वुड का जो बना हुआ है ना ये मटेरियल, इसके अंदर लेड भी, इसके अंदर लेड यूज होती है, और ये छोटी सी जो ग्लास आपको नजर आ रहा है इसके पीछे जो है कंसोल होता है, जब हम लोग एक्सरे को परफॉर्म करते हैं तो इसके पीछे चले जाते हैं और वहां पे फैक्टर सेट करके, और यहां से हम देख रहे होते हैं कि पेशेंट की मूव ही ना कर जाए, या पेशेंट जो अपनी प्रॉपर जो पोजिशनिंग करके आए वहीं पे खड़ा है कि नहीं, उसको देखते हुए साथ ही हम एक्सपोजर देते हैं, तो इसके पीछे चले जाते हैं, ठीक है, जब हमने एक्सरसाइज परफॉर्म करनी हो तो इसके पीछे कंसोल पड़ा होता है, ठीक, ये मॉनिटर है फ्लोरोस्कोपी का। अच्छा, अब फ्लोरोस्कोपी के अंदर हमारे पास जो है ना, हमने तो प्रोसीजर ले लिया, कर लिया, परफॉर्म कर लिया, बाकी कुछ जिस तरह जो है ना टेक्नोलॉजी आती जा रही है हमारे पास, कुछ पहले सिस्टम जो था वो एनालॉग था, डिजिटल हो गया सारा, ठीक, इसमें क्या होता है सब कुछ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता है, ठीक है, इसी तरह फ्लोरोस्कोपी के अंदर ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ द इमेज ब्राइटनेस बाय वेरिंग केवी या एमए, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल एबीसी जिसे कहते हैं, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस स्टेबलाइजेशन, ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, ये ऑटोमेटिकली जो है इसके अंदर चेंज हो जाते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एक दो चीजें चेंज करते हैं, वो सारा कुछ खुद ब खुद हम जो है ना फैक्टर्स को सेट कर लेता होता है, आजकल जो डिजिटल अच्छी मशीन के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, उसमें क्या होता है सिर्फ हम लोगों ने एक दफा एग्जाम को चूज करना है कि हम लोगों ने जीआई ट्रैक करना है, या हम लोगों ने न्यूरो करना है, या हम लोगों ने लिम्स करनी है, या वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं रीजन को, अब उसको पता है सिस्टम को, ऑटोमेटिकली उसने उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, उस रीजन के अकॉर्डिंगली हमारे पास केवीज, एमएएस, ब्राइटनेस कंट्रोल, ये सारे जितने भी एक्सपोजर कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है इल्यूमिनेशन, इसमें क्या होता है कि हमने, मैंने जिस तरह बताया था कि जो एक्सरेज है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट, जो हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर का काम है, विजुअलाइजेशन जितनी भी है एक्सरेज की वो पहले लाइट में कन्वर्ट होगी, लाइट में कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ेंगे किस तरह कन्वर्ट होती है और फिर हमारे पास इमेज जो है वो फॉर्म होता है। पहले तो हम लोगों ने इसका यूनिट देख लो कि क्या यूनिट होता है, लैम्बर्ट एंड मिली एम्बर्ट जो यूनिट है वो इसके हैं 10 to 1000 ml फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ द रेडियोग्राफ। आपको पता है एक हम हमारी ह्यूमन आई कितने कलर्स को डिटेक्ट कर सकती है, एक जो मतलब एक नॉर्मल आई जो होती है, कोई है जनरल नॉलेज किसी को, कितने ग्रे के शेड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, मैंने शायद पहले बताया भी था आपको। अब ग्रे शेड्स ज्यादा आपको या ब्लैक में होंगे या व्हाइट में होंगे, और उसके अंदर कितने शेड्स होते हैं, कुछ डार्क ग्रे, कुछ लाइट ग्रे, कुछ एक नॉर्मल 32, ठीक है, 32 जो है ना शेड्स एक ह्यूमन आई डिफ्रेंशिएट कर सकता है सिंपल एक ग्रे के जो शेड्स हैं, ठीक है, डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, ज्यादा ब्लैक, उससे ब्लैक, बहुत ब्लैक, व्हाइट की तरफ चले जाओ तो व्हाइट के शेड्स, तो 32 शेड जो है ना वो एक ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट, ठीक है, ये उसकी कुछ टेबल सा बनाया हुआ है, ठीक है, और थोड़ी सी एनाटॉमी ह्यूमन आई की बताई हुई है कि कौन से हमारे ह्यूमन आई के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि विजन के लिए हमारे पास रोल प्ले करते हैं, रॉड्स एंड कॉन, लेंसेज हैं, आयरस हैं, रेटिना है, ठीक है, ये तो एक एनाटॉमी सी आपको पता है, ये पूरे आई का स्ट्रक्चर, ठीक है, रेटिना, आयरस, प्यूपल, सिर्फ बताने के लिए कि ह्यूमन विजन किस तरह हमारी जो है वो बींग अ रेडियोग्राफर, बींग जो है आप इमेज क्या कहते हैं इमेजिंग स्टूडेंट, आपने इमेज करना है तो आपकी जो है ना आई साइड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक तो आप लोगों ने काम ही करना है अंधेरे के अंदर, काम है आप लोगों ने सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया देखनी है, ठीक है, उसके शेड्स को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सको, ठीक है, तो लाइट इज डिटेक्टेड बाय कॉर्ड्स एंड रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है, ये डिफरेंट उसकी कुछ एनाटॉमी है, रॉड्स फॉर द नाइट विजन, कॉन्स फॉर द डे लाइट विजन, ये आप लोग पहले अपनी एनाटॉमी में पढ़ चुके हो, जस्ट फॉर द रिवीजन ये इसके अंदर चीजें हैं। अच्छा, ठीक है, फोटोपिक विजन वो होता है जो कि हम लाइट में, जो कि लाइट के अंदर हम लोग देख सकते होते हैं, स्कोटोपिक विजन वो होता है जो कि लो लाइट के अंदर हम लोग देख सकते होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हमारे होते हैं जो कि हम लोग फोटोपिक विजन में तो कभी भी नहीं हम लोग रेडियोलॉजी के प्रोसीजर परफॉर्म करते कि फुल लाइट के अंदर जो है वो देख रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर जो है कोशिश की जाती है कि हम लोग डार्क
रूम को करें ताकि हमें जो है ना शेड्स अच्छे से नजर आए. देखा होगा आपने कभी भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओगे तो रेडियोलॉजिस्ट हमेशा रूम के अंधेरा करके बैठे होते हैं. जब वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उनके रूम में बिल्कुल अंधेरा होता है. उन्होंने एक सामने वो जो फिल्म लगाई होती है उसके पीछे बस एक लाइट ऑन होती है हल्की सी. वो सिर्फ उस लाइट के अंदर जो है जितना ज्यादा डार्क एरिया सिर्फ क्या कहते हैं ना फिल्म के पीछे सिर्फ लाइट होगी और पूरा रूम जो है ना डार्क होगा तो वो हमें ज्यादा अच्छे से हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे. ठीक है तो फोटोपिक विजन्स, फोटोपिक विजन जो है वो लाइट के अंदर है कम और ज्यादा, और डार्क अडेप्टेशन वही जो डार्कर लाइट के अंदर हम लोग इसको देख रहे होते हैं. ठीक है अंधेरों के अंदर जो है ना शेड्स को देख. कभी आपने देखा होगा एक्सरेस को हम किस तरह देख रहे होते हैं, कभी घर में देखे एक्सरेस पड़े हुए तो हम ट्यूबलाइट की तरफ करके या लाइट की तरफ करके इसको देख रहे होते हैं. ठीक है तो अगर आप उसको ही घर पे और अच्छे से देखो ना तो घर के अंदर अंधेरा कर लो सिर्फ एक छोटी सी लाइट ऑन करके सिर्फ एक्सरेस को उसके आगे रखो तो आप देखो कितना क्लियर आप एक एक चीज उसकी नजर आएगी. ठीक है तो ये रेडियोलॉजी का एक समझ लो रेडियोलॉजी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया. तो हमने अंधेरे में रहना है और अंधेरे में ही आपने ये ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया को ही देखना है, उसके डिफरेंट शेड्स को ही जो है डिफरेंट उसको जो है चेंज करना है. अच्छा प्रैक्टिकल फ्लोरोस्कोपिक टेक्निक में क्या है, किस तरह है. इमेज ब्राइटनेस शुड बी हायर फॉर द मैक्सिमम इमेज डिटेल. इमेज इंटेंसिफायर रेजेस इल्यूमिनेशन फ्रॉम द लो लेवल ऑफ कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी इनटू कोन विजन रीजन वेयर विजुअल एक्विटी इज ग्रेटेस्ट. ठीक है ब्राइटनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अंडर इन्वेस्टिगेशन. केवी या एमए जितना हम सेट करते हैं, हाई केवी एंड लो एमए आर प्रेफर्ड. क्यों, एमसीक्यू भी आया था. हाई केवी हम क्यों यूज करते हैं मैम? हाई केवी भी जितना हम यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास पेनिट्रेशन होगी. हाँ जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन होगी अब हमें इसमें पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड. और लो के एमए क्यों यूज करेंगे मैम? कंट्रास्ट को देखकर बेटर कंट्रास्ट. हाँ ठीक है तो हाई केवी या लो एमए आर प्रेफर्ड इन फ्लोरोस्कोपी. ठीक फिर उसके अलावा डार्क अडेप्टेशन बाय वेयरिंग रेड गॉगल्स. गॉगल्स जितने होते हैं वो अब तो नहीं पहनते लेकिन पहले जमाने में बैठे होते थे रेडियोलॉजिस्ट गॉगल्स लगा के, आप लोगों ने रिपोर्टिंग करनी है तो रेड कलर की गॉगल्स उन्होंने पहने होते थे जब रिपोर्ट वो कर रहे होते थे. ठीक है तो उससे उनकी जो विजुअलाइजेशन है डिफरेंट शेड्स की वो ज्यादा बेहतर हो जाती थी. ये वो टेबल है जो मैं आपको बता रही थी कि इस प्रोसीजर के अंदर हम इन ऑर्गन्स के लिए इतना केवीपी रखते हैं. फॉर द गॉल ब्लैडर 65 से 75 केवीपी. ठीक है नेफ्रोलॉजी जो है हमारे पास जितनी उसके स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो 70 to 80 माइलोग्राम 70 to 80. बेरियम एनीमा, बेरियम की स्टडीज जितनी है ना उस वो डिफरेंट है. ठीक है बेरियम एनीमा इज फॉर द लार्ज इंटेस्टाइन अपर जीआई के लिए बेरियम स्वॉलो करते हैं. ये हम इस कि आज ये पढ़ के इसके बाद हम प्रोसीजर्स ही शुरू करेंगे अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे ना उनमें हम लोगों ने प्रोसीजर्स ही पढ़ने हैं. देन हमारे पास स्मॉल बॉवल के लिए इतना हम लोग करते हैं, अपर जीआई के लिए ये हमारे पास ये डिफरेंट केवीज हमारे पास डिजाइन किए जाते हैं. लेकिन फिर अकॉर्डिंग टू द पेशेंट थिकनेस हम इनको चेंज भी कर सकते हैं. अगर हमारे पास पेशेंट बहुत ओबीस आ गया है देन हम केवी थोड़ा सा बढ़ा देते होते हैं क्योंकि पेनिट्रेशन केवी का क्या काम होता है पेनिट्रेशन. ठीक है जितनी पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड होती है हम केवी भी बढ़ा देते हैं. ठीक है पेशेंट पहले इतना ओबीस है कि उसने एंड जो जो स्ट्रक्चर देखने उधर तक एक्सरेस जाए ही ना, पेनिट्रेट ही ऊपर ऊपर सुपरफिशियली करके उतना हमारे पास इमेज जो है वो वैसा ही आए ब्लर ब्लर सा या उसका अच्छा कॉन्ट्रास्ट ना आए. ठीक है तो उसके लिए हम क्या करते हैं केवी को इंक्रीज कर देते हैं. ये एक स्टैंडर्ड्स हमारे पास सेट हुए हैं बट हम ये नहीं है कि इतना ही रखते हैं, रेंजेस को हम अकॉर्डिंग टू द पेशेंट थिकनेस चेंज कर सकते हैं. ठीक है इमेज इंटेंसिफिकेशन क्या है, जो हमारे पास इमेज जहां पे रिसीव हो रहा है ऊपर हमारे पेशेंट के ऊपर जो लगा हुआ था इमेज इंटेंसिफिकेशन जो हमारे जो फिल्म जहां पे डिटेक्ट हो रही है वो उसका काम क्या है. ठीक है वो पहले एक्सरेस को रिसीव करेगा देन वो किस में कन्वर्ट करेगा. ठीक इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब का क्या काम है, इट विल रिसीव द रेमनेंट एक्सरेस बीम कन्वर्ट इनटू लाइट एंड इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी. ठीक है इमेज इंटेंसिफिकेशन अब नाम बता रहा है हमें इंटेंसिफायर है. ठीक क्या करेगा दोबारा से कि हमारे जो पेशेंट के अंदर से एक्सरेज निकल रहे हैं जो कि रेमनेंट एक्सरेज हैं वो रिसीव करेगा, उन एक्सरेज को रिसीव करके कन्वर्ट करेगा इंटू लाइट एंड इंक्रीजेज द लाइट इंटेंसिटी. ट्यूब कंटेन इन द ग्लास एनवेलप, जिस तरह एक्सरे ट्यूब थी इसी तरह यहाँ पे भी एक्सरे ट्यूब जो है वो डिजाइन की जाती है इन अ ग्लास एनवेलप. किस मटेरियल का होता है ग्लास मटेरियल एक्सरे ट्यूब के अंदर?
पायरेक्स क्लास पायरेक्स ये कौन बोल रहा है जरा नाम बताना अपना जुबिया हाँ फिर भी तुम लोगों को अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी जो है ना क्या मुश्किल थी दो तीन एमसीक्यूज जो थे वो आगे पीछे हो गए होंगे बस उसके ऊपर शोर मचाया होगा टाइम मुश्किल था टाइम मेरा एडमिटर घुमा दिया तुम लोगों ने अच्छा ये हमारे पास इमेज इंटेंसिफायर की जो है डायग्राम है कि सबसे पहले ये ग्लास एनवेलप पूरा ठीक है इसके बाद ये जो है इनपुट फॉस्फर ये जो मैंने बताया था कि जो जहाँ पे एक्सरेज रिसीव होंगे ठीक है ये इनपुट फॉस्फर है फिर फोटो कैथोड उसके साथ ही यहाँ लगा होता है फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं कैसे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज हैं ये एनोड है ठीक है ये एक्स्ट्रा ट्यूब इंटेंसिफाइंग जो ट्यूब है ना ये उसका पूरी डायग्राम है कि कैसे आउटपुट फॉस्फर की तरफ ठीक है ये आप बस इमेज को देख लो फिर ये इसके अंदर इनपुट फॉस्फर जो है ये है फिर एक्सरेज को ये इंसिडेंट एक्सरेज इनपुट फॉस्फर पे लगे इनपुट फॉस्फर से आगे फोटो कैथोड पे फोटो कैथोड से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकले इलेक्ट्रॉन्स निकल के आउटपुट फॉस्फर पे आए आउटपुट फॉस्फर जो है वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स इनटू फोटॉन्स जो लाइट में ठीक है कैसे एक्सरेज आर कन्वर्टिंग इनटू लाइट ये आप देख लो कि इनपुट फॉस्फर फिर फोटो कैथोड एंड आउटपुट फॉस्फर और ये किन किन मटीरियल के होते हैं ये इस इमेज के अंदर है कि इनपुट फॉस्फर इज ऑफ सीजियम आयोडाइड That converts energy of X-rays into visible light. Then उससे अगला क्या था फोटोकैथोड फोटोकैथोड ठीक है इसमें से कैथोड क्या होता है नेगेटिव साइड है ना ठीक अब क्या है ये किस मटीरियल का बना होगा सीजियम या हमारे पास एंटीमन फिर हमारे पास वायर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाय द लाइट विद द इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होता है कि फोटो इमिशन पहले क्या हुआ एक्सरेज आर कन्वर्टिंग इन टू लाइट लाइट इज कन्वर्टिंग इन टू क्या इमिशन हो रही है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन हो रही है ठीक है नेगेटिव वहां से चार्जेस जो है वो इमिट होंगे देन हमारे पास पूरी ट्यूब की लेंथ होती है 50 सेंटीमीटर पोटेंशियल डिफरेंस जो है 25,000 वोल्ट्स बिटवीन द फोटो कैथोड एंड द एनोड ये इमेज इंटेंसिफिकेशन जो इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब है ना ऊपर ये उसका आप ये जो है ना इसको याद कर लो तो आपको फिर इसके आगे ब्रैकेट्स में देख लो कि ये किन किन मटीरियल का बना होता है और कैसे जो है वो एक्सरेज आर कन्वर्टिंग इनटू लाइट टाइम क्या हो गया आधा लेक्चर फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ठीक है इधर खत्म करते हैं कि हमने इमेज इंटेंसिफिकेशन ट्यूब के अंदर जो है वो क्या पढ़े हैं आउटपुट फॉस्फर से स्टार्ट करेंगे और आगे फिर हम लोग इसको रीड करेंगे फ्लोरोस्कोपी ठीक है आज मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ मैम हमारे मिट का भी वाई वाई होगा क्या होगा हमारा मिड जो होगा उसका भी वाई वाई होगा मिड टर्म रिटर्न होगा पिछले बार तो सुना है आप लोगों का मिड टर्म नहीं हुआ था लेकिन इस बार ये यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज आती हैं हमें हम उसी के मुताबिक अपना असेसमेंट प्लान बनाते हैं उन्होंने इस दफा मिड भी रखे हुए अब मिड भी रिटर्न होगा और वो भी कह रहे हैं एमसीक्यूज नहीं लेने हैं एमसीक्यूज लेने हैं मैं तो दिल कर रहा है कि एक एक बच्चे को यहाँ पर बुला के एग्जाम अल्लाह क्या चीज मैम कह रही है कि 7 जून से ओपन कर रहे हैं सारे इंस्टीट्यूट पता नहीं अब देखिए क्या होता है 7 से तो स्कूल का सुना था ओपन होने का यूनिवर्सिटीज का तो अभी पहले कैसे 27 को स्टार्ट हो रही है मैम रजिस्ट्रार में मेल की मैंने और पूछा था तो वो कह रहे थे कि 7 से खुल रही है यूनिवर्सिटी आपने पूछा था फिर शायद खुल जाए अल्लाह करे लेकिन अभी तक तो कोई ईमेल शीमेल नहीं आई थी अभी तक कुछ पता नहीं है बर्बाद की हुई है सारा कुछ उसका खत्म हुआ पड़ा तो आप लोग भी तैयारी पकड़ो सारे जो आउट ऑफ स्टेशन वाले हैं वो तो वापस आए और जो लाहौर वाले हैं वो तो हैं तो मैं अब कोशिश करूंगी आप लोगों की असेसमेंट जैसे भी हो यहाँ पे भी ऑनलाइन खत्म करूं मैं ऑनलाइन के बहुत मसले आ रहे हैं यस मैम बाकी मैं रीजनल वालों को भी एक ईमेल कर दूंगी दूसरों को भी कि इस तरह जो है ना इस पे बहुत मसले आ रहे हैं मसले क्या आपके दो एमसीक्यू अब मैं भी टाइम का मैं भी अगर इंक्रीज करती हूँ तो 1 मिनट तक भी करती हूँ ना तो फिर भी मसले आने हैं चलो मैं देखती हूँ फिर मैं अनाउंस करती हूँ क्या करना है इसका ठीक है ओके थैंक यू ओके वैसे आपके दो ही एमसीक्यूज ऐसे थे जिसके जो शफल हुए थे बी ए या बी वन ठीक है बाकी जो थे वो मैं देखती हूँ टाइम की वजह से जिनके रह गए हैं वो रह गए ठीक है
ओके मैम, थैंक यू ऑल थैंक यू जी मैम। सिर्फ टाइमिंग का इशू था, बाकी हम इंशाल्लाह अगर फिर भी आएगा ना तो हम टाइम का इशू था ना, टाइम बढ़ा देती हूं, टाइम या तो रीटेक करके टाइम बढ़ा के करने की कोशिश करती हूं। क्या मैम 1 मिनट, अगर आप एक एमसीक्यू का 1 मिनट भी करेंगी ना तो हमारा हो जाएगा। यस मैम, हमने तैयारी किया, उसका इशू नहीं है मैम। कल वाले क्विज का भी टाइम ये बताओ जी मैम, आप टफ दे दीजिएगा बट टाइम सर थोड़ा सा बढ़ा दें। टाइम का एक इशू आया था ना, बाकी शफल का है। एमसीक्यू किस तरह के थे, इजी थे या मुश्किल थे? मैम इजी थे, मैम इजी थे, बहुत बेसिक थे। इतनी इतनी सेंटेंस थी, सेंटेंस था जो कि बस एक, मुझे लगता था कि 5 सेकंड में भी आप लोग कर लोगे। देयर आर डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, कितने सेकंड्स लगे मुझे पढ़ने में, ठीक है। और नीचे बस चार ऑप्शन जल्दी से क्लिक करो, 30 सेकंड्स भी मुझे लग रहा था ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको सिनेरियोज नहीं दिए थे, छोटी छोटी सी सेंटेंस, इसका ये बताओ ये क्या है, चार ऑप्शन पढ़ो फटाफट से क्लिक करो। लेकिन वो जिनका मसला है वो मसला हमेशा ही रहेगा, जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने 5 सेकंड में भी कर लिया। मैम जिनका सही हो गया उनका रहने दें। अच्छा शाबाश, तुम लोगों के तो मेन्यू ही नहीं है, मेन्यू लेके बैठे हुए हैं, ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। मैम बस आप सारों का रीटेक लें, जो बाकी कह रहे हैं उनको छोड़ दें आप। रीटेक भी अभी मैं कुछ देखती हूँ, आप लोगों को आसानी से तो नहीं ना इतनी जल्दी कुछ हलवा दे दूं दोबारा से, तो रीटेक है, तैयारी तो की हुई है। चलो देखती हूँ क्या करना है अभी इसका, ठीक है। मैं अनाउंस कर दूंगी, अभी ईमेल कर दूंगी आपको। और जो जो कहते हैं कि मुझे ईमेल नहीं मिलती, मैं ईमेल तो जो मेरे पास पहले से सेट थे नेम उनके थी, जिनके नहीं है, आप लोग एलएमएस क्यों नहीं देखते हो, उसमें अनाउंसमेंट का भी एक ऑप्शन है ना, मैं वहां पे भी हर चीज लिखती होती हूँ, जो कुछ जिनके जिनको रिसीव नहीं होती ईमेल्स, ना इतने मम्मी डैडी बच्चे बना करो कि हर चीज तुम लोगों के मुंह में डाली जाए। एलएमएस के ऊपर जब आपको पता है कि एक अनाउंसमेंट वाला भी एक फोल्डर है जिसके अंदर कोई भी चीज अनाउंस होगी, वहां पे भी वो खोल के मेहरबानी करके देख लिया करो, हमें ईमेल्स नहीं रिसीव हो रही, हमें ये नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रही तो एलएमएस पे तो सब है ना, ठीक है। और जिनके ब्लॉक हैं वो अपने मसले ठीक करवाएं, एटलीस्ट असेसमेंट से पहले तो सब कुछ अपना ठीक करवा लिया करो, एंड असेसमेंट वाले दिन ईमेल्स आ रही हैं मुझे, ठीक है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।